Hi, good morning friends, good morning, good evening, good afternoon. आप जब भी lectures देख रहे हैं, so I'm back again. क्या करने जा रहे हैं आज हम? Now, मैं अभी last time पे मैंने RTP solve करके दी थी किसकी? GST की for inter-CA और for IPC of November 18. And after that RTP solve करने के बाद, I'm getting the feedbacks, the request of the students ki ma'am please help us with RTP of May 18 also as well as mock test paper of May 18 as well as November 18 as well as practice papers of May 18 and November 18 and agar last attempt ka paper bhi aap solve kar sako to. So on that request, maine ek scanner banaya hai, GST scanner which includes all the questions of May 18 question paper as well as May 18 RTP, May 18 mock test paper, May 18 practice paper, old as well as new syllabus, November 18 RTP, November 18 mock test paper, November 18 practice paper, and together it comprises of 93 questions with the solutions. 93 questions with the solutions. Or what have I done is, maine ise topic wise, मैंने क्या किया है टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दिया कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक का है और ऐसे 93 क्वेश्चंस बने इन ऑल इन 12 चैप्टर्स कंप्राइजिंग ऑफ 82 पेजेस. तो आज का हमारा प्लान क्या है? सी 93 क्वेश्चंस व्हिच इंक्लूड्स बोथ डायरेक्ट क्वेश्चन आल्सो एज वेल एज इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आल्सो थ्योरी क्वेश्चन आल्सो एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आल्सो. तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है जो थ्योरी क्वेश्चंस है वो से मैं क्वेश्चन रीड करूंगी आपके सामने. आई वोंट बी डिस्कसिंग इन डेप्थ द आंसर्स बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन. डेफिनेशन पूछ रहे हैं, डेफिनेशन मुझे समझाने की अभी जरूरत नहीं है. यहाँ पे मैं इन डायरेक्ट क्वेश्चन डेप्थ में कवर करते चले जाऊंगी. सेकेंड, आपके मन में क्वेश्चन आएगा मैम हम ये जो आपने स्कैनर बनाया हम कहां से ले? गो टू माई वेबसाइट, गो टू माई वेबसाइट www.cameetamangal.com. गो टू माई वेबसाइट www.cameetamangal.com. वहां पे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री. Am I clear? Can I start? बस एकदम धमाके से करने वाले 12 चैप्टर्स है, 82 पेजेस है, 93 क्वेश्चंस है, मजाक नहीं है. पर इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका पूरा जीएसटी रिवाइज हो जाता है. वन सेकेंडली, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 100% पेपर में से तो अपना पेपर तैयारी तो 100% हो ही रही है यहाँ पे. Am I clear? Again I'm saying, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगी, मैं सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी. एम आई क्लियर? तो लेट्स कम टू फर्स्ट चैप्टर, जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन. जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन. चलो कम टू फर्स्ट चैप्टर, जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन. आई होप यू आर विथ मी. फर्स्ट क्वेश्चन क्या? डिस्कस एनी टू सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी. एनी टू सिग्निफिकेंट, एनी टू पूछा है, मैंने सारे लिख दिए हैं. आप चाहो इनमें से कोई भी दो लिख के आ सकते हो, मैं सिर्फ हेडिंग पढ़ रही हूं. क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट. वन मार्केट क्रिएट करने के लिए जीएसटी हेल्प करेगा बिकॉज वन नेशन वन टैक्स. सेकेंड, मिटिगेशन ऑफ ऑल इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग. नो टैक्स ऑन टैक्स. बेसिकली इट वॉज टैक्स ऑन टैक्स इन द प्रीवियस टैक्सेस, इसलिए जीएसटी लेके आए. यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी है, इसलिए टैक्स ऑन टैक्स लगने वाला नहीं है. थर्ड, एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्स एंड डबल टैक्सेशन. एलिमिनेशन, आज मैं गुड्स बना के जब बेचती थी तो बनाने के ऊपर मैं मैन्युफैक्चरिंग के करती थी तो मैं उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगाती थी और बेचने पे मैं सेल्स टैक्स भी लगाती थी. मतलब एक चीज के ऊपर दो टैक्स लग रहा है, एक्साइज भी लग रहा है, सेल्स टैक्स भी लग रहा है, विच इज नॉट गुड. अगर मैं होटल में खाना खाने जाती थी तो होटल, अगर वो एसी है होटल था तो मुझे वो खाना देते थे, उस खाने के वो सेल्स टैक्स लगाते थे, एज वेल एज मुझे सर्विसेज देते थे उस पर सर्विस टैक्स भी लगाते थे. तो इन शॉर्ट यहाँ पे वो चीज क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया है. यहाँ तो यहाँ यहाँ तो यहाँ पे जीएसटी ऑन गुड्स होगा या जीएसटी ऑफ सर्विसेज होगा. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, बूस्ट टू मेक इन इन इंडिया इनिशिएटिव. सी अगर हमारा माल सस्ता हुआ, अगर हमारा माल सस्ता हो, क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स नहीं लग रहा है तो हमारा माल सस्ता हो जाएगा. अगर हमारा माल सस्ता हो जाएगा तो इंडिया के बाहर के लोग भी हमारा माल खरीदेंगे, तो मेक इन इंडिया बूस्ट होगा.
And next, points to the government revenue. Government ka revenue badega. Am I clear? These are the five significant benefits of GST. Am I clear? Can I go ahead? Come to second question. List the central taxes which have been subsumed in GST in India. See, two type ke taxes subsumed hue. Ek to central tax aur ek state tax. Central tax ka matlab jo central government charge karti thi. State tax ka matlab jo state government charge karta tha. Yahan pe question kya pucha hai? Kaun kaun se central tax has been subsumed in the GST? Subsumed ka matlab which is in GST. Ab wo lagne wale nahi hai. पहला एक्साइज ड्यूटी से अगर अपन लोग सुपरफिशियली पढ़े तो मैम एक्साइज ड्यूटी चला गया. हाँ चला गया मैम. सेंट्रल सेल्स टैक्स ही सेल्स टैक्स दो टाइप के होते हैं. एक सेंट्रल सेल्स टैक्स और एक वैट. एक सीएसटी और एक वैट. वैट इज बाय स्टेट गवर्नमेंट. तो मैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ तो मैं सेंट्रल सेल्स टैक्स की बात करूँ. वो भी चला गया. हाँ मैम चला गया. मैम कस्टम ड्यूटी गया क्या? नहीं, कस्टम ड्यूटी सब्स्यूम नहीं हुआ है. बीसीडी बेसिक कस्टम ड्यूटी सब्स्यूम नहीं हुआ है. बट उस कस्टम ड्यूटी के अंदर देर वॉज, आई होप यू विथ मी, देर वॉज two duties. One was CVD, countervailing duty, and special CVD, which is nothing but excise and sales check. Wo subsumed ho gaya hai. Am I clear? Ab ye aapki meri general language hai. General language mein answer likhoonge to general number hi milne wale hai. See inki language kya hai. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सब्स्यूम्ड हो गए एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी सब्स्यूम्ड हो गए. हमें मालूम था कि एक्साइज ड्यूटी बहुत टाइप्स की होती थी तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मतलब मेन एक्साइज ड्यूटी भी क्या हो गई है? सब्स्यूम्ड हो गई है, एज वेल एज एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी सब्स्यूम्ड हो गई है. सर्विस टैक्स भी सब्स्यूम्ड हो गया है. एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट भी सब्स्यूम्ड हो गया है. सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी जो मैंने आपको बोला था ये कौन सा था? कस्टम ड्यूटी के अंदर था. सीवीडी मतलब व्हिच वाज काउंटर वेलिंग एक्साइज ड्यूटी एंड स्पेशल सीवीडी मतलब व्हिच वाज काउंटर वेलिंग सेल्स टैक्स. जब एक्साइज चला गया, जब सेल्स टैक्स चला गया तो ये क्यों रहेगा? ये भी सब्स्यूम्ड हो गया. सेंट्रल सेल्स टैक्स भी सब्स्यूम्ड हो गया है. एम आई क्लियर? एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरचार्ज एंड सेस इन सो फार इज रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बॉस यहां पे मैंने सी पॉइंट में सर्विस टैक्स लिखा था एंड फिर भी मैं सर्विस टैक्स तो 14% था. फिर 0.5 क्या था? स्वच्छ भारत सेस. एंड 0.5 क्या था? कृषि कल्याण सेस. वो सेस था. सर्विस टैक्स की जब मैं बात करूं इट 14% सब्स्यूम लिखा है. व्हाट अबाउट कृषि कल्याण सेस? व्हाट अबाउट स्वच्छ भारत सेस? वो कहां पे सब्स्यूम हो गया? पॉइंट नंबर जी में. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? एंड आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर. यू कैन राइट द आंसर द सेम फॉर्मेट. ये फॉर्मेट ICAI का दिया है. मैंने सिंपली क्या किया, मैंने सिर्फ प्रॉपरली सेग्रीगेशन करके प्रॉपरली प्रेजेंटेशन कर दिया है. रेस्ट इट्स ऑल गिवन बाय ICAI पीपल. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो मैं दो क्वेश्चन पढ़े. पहला क्या पढ़ा? बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या होता है. हमने सेकंड पढ़ा कौन कौन से सेंट्रल टैक्सेस जीएसटी में क्या हो गए? सब्स्यूम्ड हो गए हैं. एम आई क्लियर? थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन मैं सिर्फ रीड कर रही हूं, मैं ये डिस्कस नहीं करने वाली बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन डेफिनेशन है. Explain the meaning of the term recipient of supply of goods and or services. I am not going to discuss any definition over here as of now until and unless it is important from practical point of view. Am I clear? Fourth question. List any six state levies which are subsumed in GST. ऊपर हमने भी जो question discuss किया था वो ये discuss किया था कि central taxes कौन से subsumed हुए हैं. अब हम क्या discuss करें? कौन से state टैक्सेस सब्स्यूम्ड हुए हैं? स्टेट टैक्स. अगेन प्लीज लर्न द लिस्ट, अपने मन से लिख के मत आना. स्टेट सरचार्ज एंड स्टेट सेस. एंटरटेनमेंट टैक्स सब्स्यूम्ड हुए हैं पर एक्सेप्ट दोज डिवाइड बाय लोकल बॉडीज. हम लोग स्टेट गवर्नमेंट जो एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज करते थे वो सब्स्यूम्ड हुए हैं पर जो लोकल अथॉरिटी एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज करे वो सब्स्यूम्ड नहीं हुई है. टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग. ये तीनों बेसिकली क्या है? एक्शनेबल क्लेम्स. ये तीनों बेसिकली क्या है? इन तीनों के ऊपर अभी क्या लग रहा है? जीएसटी लग रहा है. टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज सब्स्यूम्ड क्यों? तीनों के ऊपर अब जीएसटी लगने वाला है. एंट्री टैक्स ऑफ ऑल फॉर्म्स एज वेल एज परचेस टैक्स हैज बीन सब्स्यूम्ड.
VAT or sales tax has been subsumed, luxury tax has been subsumed and taxes on advertisement has been subsumed. ये list learn करके जाना, यहाँ पे गलती की गुंजाइश ही नहीं है. आपको अगर ये question आए तो direct question है, ये answer लिख के आओगे तो full marks मिलेंगे. Am I clear? Can I go in? इस question में four clear? Can I go in? That means we are done with what? Chapter 1. हमने chapter 1 क्या पढ़ा अभी? Introduction in GST. और introduction में हमने क्या पढ़ा? कि GST के benefits क्या है? कौन-कौन से central taxes subsumed हुए हैं? कौन-कौन से state taxes subsumed हुए हैं? Am I clear? Can I go in? आगे बढ़े तो इन दो में से सेंट्रल टैक्सेस कौन कौन सब्सूम्ड हुए हैं या स्टेट टैक्सेस कौन कौन सब्सूम्ड हैं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. क्लियर? कैन आई गो एंड नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2 सप्लाई. 93 क्वेश्चंस है पूरे स्कैनर में. Am I clear? मैंने कोशिश करी आपकी लाइफ सिंपल करने के लिए. प्लीज डाउनलोड कर लेना ये चीज मेरी वेबसाइट पे से. Am I very clear? And supply chapter. कोई second thought ही नहीं है. One question तो bare minimum बनता ही बनता है. अगर दो question भी supply chapter में से आ जाए तो कोई big deal नहीं है, because supply chapter itself बहुत ज़्यादा vast है. Am I clear? Supply. Again. मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूं जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द टर्म कंपोजिट सप्लाई एंड इट्स टैक्सेबिलिटी अंडर जीएसटी लॉ. बस सप्लाई दो टाइप की होते हैं. सप्लाई दो टाइप की होता है. आई होप यू विद मी. सप्लाई आर ऑफ टू टाइप्स. कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई. कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई. व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई, व्हाट इज मिक्स सप्लाई? कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई में क्या होता है? एक चीज नहीं आती, एक से ज्यादा चीज आती है. अब लेट्स अंडरस्टैंड कंपोजिट सप्लाई. कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है? यू आर गेटिंग नॉट वन थिंग. आपको बुक बोले बुके मिल रहा है. बुके, बुके ऑफ गुड्स या बुके ऑफ सर्विसेज या बुके ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. पर ये कंपोजिट में क्या होता है कि ये जो दो या दो से ज्यादा चीज हमें आ रही है ये नेचुरल बंडलिंग है. ये क्या है? नेचुरल बंडलिंग है. मतलब ये तो साथ में आना ही आना है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ सर्विस प्लस सर्विस, गुड्स प्लस गुड्स, सर्विस प्लस गुड्स, सर्विस प्लस सर्विस, गुड्स प्लस गुड्स एंड सर्विस प्लस गुड्स. अगर सपोज एग्जांपल लेते पहले केस में, आप एयरक्राफ्ट में, आप एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो और सामने वाला आपको क्या दे रहा है? फूड दे रहा है. मतलब आप बाय एयर जा रहे थे तो उसने आपको क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दी, ऊपर खाना दिया तो आपको केटरिंग की सर्विस दी और आपको सपोज टिकट का कितना चार्ज किया? 10,000 रुपीज. अभी 10,000 रुपीज में क्या हुआ? यू गेटिंग टू सर्विसेज. अब मुझे बताओ यहाँ पे इट इज नेचुरल बंडलिंग के भैया साथ में आना ही चाहिए. मतलब इफ यू गोइंग बाय एयर, आप मॉर्निंग आवर्स में जा रहे हो, आफ्टरनून आवर्स में जा रहे हो, इवनिंग आवर्स में जा रहे हो, यू शुड गेट समथिंग टू ईट. अब ये 10,000 पे जीएसटी किसके रेट का लगेगा? एयरलाइन ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर का रेट का लगेगा कि केटरिंग का रेट का लगेगा? तो यहां इनका कहना है ये नेचुरल बंडलिंग है. नेचुरल का मतलब ये साथ में ही आते हैं और इसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है उसका रेट लगेगा. मुझे बताओ यहां पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? एयरलाइन. क्या ऊपर नाश्ता करने जा रहे हो आप? नहीं मैडम, हम लोग ट्रैवल करने जा रहे हो. तो जो एयरलाइन का ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर्स इन केस बाय एयरलाइन, वो जो रेट है वो लगने वाला है. एम आई क्लियर? कैन आई गो इन? सेकेंड एग्जाम्पल, आप लैपटॉप खरीदने गए और साथ में लैपटॉप का बैग मिला. बस मिलेगा ही मिलेगा यार, क्या सर पे रख के लेके आऊं मैं लैपटॉप? तो इस केस में ये कौन सा बंडलिंग है? नेचुरल बंडलिंग है. इट विल कम टुगेदर. तो इस केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका रेट लगेगा. या प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? लैपटॉप. लैपटॉप के ऊपर पूरा जीएसटी का रेट लगेगा. एंड सेकेंड इज गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. अज्यूम करो आपने टीवी परचेस किया है और आपको क्या मेंटेनेंस या आपको वारंटी या गारंटी की सर्विस मिल रही है.
टीवी परचेस किया आपको वारंटी एंड गारंटी की सर्विसेज मिल रही है तो द बट नेचुरली यार आप कुछ भी सामान खरीदोगे गारंटी और वारंटी की सर्विसेज मिलनी चाहिए तो ये कौन सा बंडलिंग है नेचुरल बंडलिंग नेचुरल बंडलिंग में जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है उसका रेट जीएसटी का लगेगा दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई में ऐसा नहीं होता है मिक्स सप्लाई में एक से ज्यादा चीज आ रही है जो नॉर्मली अलग अलग आ सकती है पर वहां यहाँ पे वो चीज एक साथ दी गई है फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे दिवाली आने वाली है तो दिवाली पे क्या मिल रहा है आजकल गिफ्ट पैक मिलता है गिफ्ट पैक में सपोज दिए भी रखे गए चॉकलेट्स भी रखे गए स्वीट भी रखे गए तीन चीज दिए चॉकलेट्स एंड स्वीट्स मतलब मिठाई अब मुझे बता ऐसा ही होता है कि दिए के साथ चॉकलेट एंड स्वीट्स आएंगे आएंगे नहीं ना तो इस केस में इट इज नॉट नेचुरल बंडलिंग तो इस केस में कौन से रेट का जीएसटी लगेगा दिए में से चॉकलेट्स में से स्वीट्स में से तीनों में जो भी हाईएस्ट रेट होगा उस रेट का जीएसटी लगेगा एम आई क्लियर लेट्स सी द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन क्या है What is composite supply? What is composite supply? Consists of two or more supplies. It is natural bundling in conjunction with each other, one of which is a principal supply and tax liability shall be the rate of the principal supply. Am I clear? Question number two. Determine whether the following supplies amount to composite supplies or not. A hotel provides 4 days and 3 nights package when the facility of breakfast and dinner is provided along with the room accommodation. आप accommodation की service लेने गए साथ साथ आपको catering भी खाना भी मिल रहा है कि कौन सा bundling है ये natural bundling है आजकल ये आता ही आता है तो इस case में principal supply क्या है accommodation तो उसका जो rate होगा वो पूरे पे लग जाएगा Am I clear? And second क्या है A toothpaste companies offer the scheme of free toothbrush along with the toothpaste. अब मुझे बताओ ऐसा है कि toothpaste के साथ toothbrush आना ही चाहिए नहीं मतलब composite supply नहीं है मतलब कौन सा supply है mix supply और mix supply में क्या होगा toothbrush and toothpaste में दोनों में से जो highest rate जिसका भी GST का होगा वो rate पे GST लगेगा Am I very clear? Can I go ahead? Is composite supply clear? Is mixed supply clear? आगे बढ़ सकती हूँ Question number 2 clear? Question number 3. State government has exclusive power to notify a transaction to be supply of goods or services. अब ये questions गंदे questions है पता है हम लोग है ना depth में पढ़ते ही नहीं है ये section 7 में जहाँ पे supply को क्या किया है define किया है वहाँ पे clearly देख के रखा है कि boss state government as well as central government On the recommendation of GST Council, exclusive power नहीं है. Is the statement correct? Have they given exclusive power to notify a transaction as supply of goods or supply of services? No. It is only after recommendation of GST Council they can determine whether distributed as supply of goods or supply of services. Ask question exam mein agar aa gaye takleef de denge. Am I clear? State government has exclusive power to notify a transaction to be supply of goods or services. Discuss the correctness of the statement. Maine सबके आगे लिखा है क्वेश्चन मैंने कहां से उठाया है सोर्स क्या है प्रैक्टिस पेपर ऑफ मई 2018 एम आई क्लियर आई होप यू गेट माय पॉइंट तो मैं इसका आंसर पढ़ रही हूं स्टेटमेंट द सेड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेट गवर्नमेंट कैन नोटिफाई अ ट्रांजैक्शन टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओनली आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट भी खुद से नहीं कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कैन नोटिफाई टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस और वाइस वर्सा एम आई क्लियर इस क्वेश्चन में थर्ड क्लियर कैन आई गो एट Question number 4th. Again, a direct question. State the necessary elements for supply. Elements for supply. Boss, supply word aya na. Section code karke aao. Agar tumhe subsection pata nahi, 71A, 71B, 71C, 71D, 72A, 72B. Agar aapko subsection pata nahi hai. Sir bhi agar tumhe section 7 likke aoge, to aap galat nahi ho. Right? Section 7 of which act? Income tax act.
No, section 7 of GST Act 2017, ये लिखना गलत माना नहीं जाएगा. Am I clear? Section 7 of boss, section 7 का subsection नहीं याद, that's okay. पर section 7 तो याद होना चाहिए, और अगर subsection याद नहीं है, तो please लिख के मत आना, क्योंकि wrong answer will be a more problem. तो इन्होंने क्या question पूछा है, कब किसी चीज को, what are the necessary elements for supply to be chargeable, मतलब कब GST लगेगा? तो पहला supply किसका होना चाहिए, या तो goods का होना चाहिए, या तो services का होना चाहिए? For consideration होना चाहिए, in the course of business होना चाहिए, and it should be a taxable supply, and it should be done by a taxable person. Boss, बहुत important चीज़ है ये. Supply, right? कब बोलेंगे? Supplier ने क्या किया है? Supply क्या? किसका होना चाहिए? Goods होना चाहिए, या तो services होना चाहिए, और return में क्या आना चाहिए? Consideration होना चाहिए, और ये इसने अपना business में किया है, plus ये goods क्या होने चाहिए? Taxable goods होने चाहिए, plus supplier कौन सा होना चाहिए? Registered person होना चाहिए. अगर बहुत supplier registered नहीं है, तो वो GST charge ही नहीं करेगा. तो in short, कितनी conditions? 5 conditions. First, supply should be of goods or services. In return of consideration, in the course of business or in furtherance of business, and should be taxable goods or services, and should be made by a taxable person. Am I very clear? Am I very clear? Is question number 4 very clear? Can I go ahead? I literally speed mein revise karwane ki kya kar rahi hu? Koshish kar rahi hu. To agar aapko lagta hai kaise karna hai, aap ek kaam karo, chapter 2 supply hai, apne answer revise kar lo, apne answer revise kar lo, uske baad ye pura lecture sun lo, your GST will be revised your itself only. Am I clear? Can I go ahead? आगे बढ़े. बस मेरा तो ऐसा मानना है, अगर सेक्शंस लिखोगे तो भीड़ से अलग बन जाओगे, एंड सेक्शंस याद करना कोई बड़ी बात नहीं है. इट्स ऑल योर, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. विल ही नहीं तो वे ही नहीं होगा. एम आई क्लियर? फिफ्थ वन, दिस इज आई पर्सनली बिलीव टू बी अ वेरी गुड क्वेश्चन. मॉडस्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली डीलिंग इन, आई होप यू आर गेटिंग मी. बस मैंने आपको अभी बोला, आप ये मेरा लेक्चर के साथ डाउनलोड प्लीज मेरी वेबसाइट पर जाके कर लेना. मॉडस लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली डीलिंग इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ट्रांसफर सम ऑफ इट्स स्टॉक टू अनादर यूनिट लोकेटेड इन हरियाणा. मॉडस कहाँ है? दिल्ली में. उसकी दूसरी यूनिट कहाँ है? हरियाणा में है. मतलब वो माल, देख अब सुनना मेरी बात, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंफ्यूज पीपल. हमने अभी तक ये पढ़ के आए थे जीएसटी के पहले देयर शुड बी टू पीपल, वन सेलर वन बायर. इसको सेल्स टैक्स में ना स्टॉक ट्रांसफर ब्रांच ट्रांसफर माना जाता था, बट दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर इन जीएसटी. जीएसटी में ऐसा बोला है यू देयर शुड बी अ सप्लाई, यू शुड सप्लाई. सप्लायर को माल क्या करना चाहिए? सप्लाई करना चाहिए. टू अनदर पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं दी है, टू अनदर पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं दी है. इसका मतलब सेल्फ सप्लाई इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर जीएसटी. बट अब जब मैं माल दीजिए, अभी आप बोलोगे मैम ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आपने क्या बोला कि बॉस अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो रिटर्न में क्या आना चाहिए? कंसिडरेशन आना चाहिए. आप तो अपने यूनिट को माल दे रहे हो तो कंसिडरेशन नहीं आएगा. अग्रीड, कंसिडरेशन नहीं आएगा. तो सेक्शन 7 ने ही हमें स्केड्यूल 1 में ले गए, और स्केड्यूल 1 ने बोल के कहा है 4 एक्टिविटीज 4 ट्रांजैक्शन, जिसमें क्या मिसिंग है? कंसिडरेशन मिसिंग है. फिर भी उसको क्या माना गया है? सप्लाई माना गया है. उसमें ये एक पॉइंट वहां कवर करके रखा है. क्या? अगर आप सप्लाई कर रहे हो किसका? गुड्स का या सर्विसेज का? किसको? अपने रिलेटेड पर्सन को या अपने डिस्टेंट पर्सन को? लिसन टू मी, स्केड्यूल 1 डिस्कस कर रही हूं. स्केड्यूल 1 में देयर आर 4 पॉइंट्स. मैं सेकेंड पॉइंट डिस्कस कर रही हूं. सेकेंड पॉइंट स्केड्यूल 1 क्या बोलता है? विदाउट कंसिडरेशन. विदाउट कंसिडरेशन इज ऑल्सो वॉट?
supply. Without consideration is also what? Supply. पर ऐसा नहीं है, कुछ conditions दिए वो fulfill करनी पड़ेगी, क्या? Supply ने क्या किया है? Supply किया है, किसका? Goods का या services का? किसको? Related party को या फिर distant person को. बताती हूँ क्या है ये, distant person को. In the course of business, मतलब ये इनका business है. आज सपोज अगर मेरे किताबों का बिजनेस है, मैं किताबें दूंगी बेचूंगी तो इट्स माय बिजनेस. मैंने किसको दिया? अपने रिलेटेड पार्टी को दिया, डिस्टेंट पर्सन को दिया. और मैंने कंसिडरेशन क्या हुआ है? नहीं हुआ है, फिर भी जो सप्लाई मान लिया है इस पे जीएसटी लगेगा. देखो हम चैप्टर टू पढ़ रहे हैं, चैप्टर टू हमें क्या बताएगा? सप्लाई क्या होता है, वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यूएशन चैप्टर बताएगा. एम आई क्लियर? तो नाउ व्हाट इज रिलेटेड पार्टी? हमें डेप में जाने की अभी जरूरत नहीं है. रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन देखे रखिए. डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है. सी यू नो जीएसटी स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन. जीएसटी में आपको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा. एक कंपनी के अगर दो स्टेट्स में क्या है, ऑफिसेज है, तो उनको दोनों स्टेट्स में नंबर लेना पड़ेगा. अगर उनको इस क्वेश्चन में इनका एक ऑफिस दिल्ली में और दूसरा ऑफिस कहाँ है, हरियाणा में है. एक ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में है, और दूसरा ऑफिस कहाँ है इनका, हरियाणा में है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. इनको दोनों जगह रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा. इनका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना डिजिट होगा? 15 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा. 15 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. कौन सी कंपनी का? मॉडेस्ट कंपनी का. और इन दोनों 15 डिजिट में 10 डिजिट क्या होगा? कॉमन होगा. क्या? पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर. पैन, जीएसटी इज पैन बेस्ड, तो मॉडेस्ट कंपनी का तो एक ही पैन नंबर होगा ना. तो जब वो दिल्ली में एप्लीकेशन सबमिट करेगी तो वहां पे जो पैन होगा और जो हरियाणा में पैन होगा सेम होगा, नंबर अलग हो जाएगा. तो यहाँ पे दिल्ली एंड हरियाणा इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्टिंक्ट पर्सन. तो यहाँ पे सप्लायर मतलब मॉडर्स ने किसको माल दिया है? मॉडर्स दिल्ली ने मॉडर्स हरियाणा को माल दिया है. मॉडर्स मॉडर्स हरियाणा और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या दिया है? गुड्स दिया है. कौन से गुड्स दिए? जो उसका स्टॉक था, मतलब वो उसका बिजनेस था, तो शेड्यूल वन में कवर हुआ है. क्या मिसिंग है? कंसेशन मिसिंग है, फिर भी इसको सप्लाई माना गया है. अब इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? दैट मीन्स लास्ट लाइन देखो. इंट्रास्टेट सेल्फ सप्लाइज आर नॉट टैक्सेबल. इंट्रास्टेट देखो, अंडरस्टैंड करो इस लाइन का मतलब क्या है. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. आज उन्होंने बोला डिस्टिंक्ट पर्सन. डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन विद टू रजिस्ट्रेशन नंबर, विद टू डिफरेंट जीएसटी नंबर, विद हैविंग द सेम पैन नंबर. मतलब दिल्ली वाली कंपनी एंड हरियाणा में क्या है, दो अलग अलग क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, पर दोनों का पैन नंबर क्या है, सेम है. इनको क्या कहा जाएगा? इन्हें डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाएगा. पर अज्यूम करो मेरे दो ब्रांचेस है, दोनों ही कहा है, दिल्ली में है, और ये सप्लाई कौन सा होगा? इंट्रास्टेट सप्लाई होगा. और अगर दोनों का नंबर सेम है एक ही स्टेट में, तो मैंने क्या किया? अलग अलग नंबर नहीं लिया. मतलब अलग अलग नंबर में कब लेने जाती? जब बिजनेस वर्टिकल होता है. आई होप यू नो व्हाट इज बिजनेस वर्टिकल. बिजनेस वर्टिकल का मतलब क्या होता है? आई हैव टू डिफरेंट बिजनेस इन द सेम स्टेट, तो आई मे कैन गो फॉर द सेम नंबर ऑल्सो एंड आई कैन गो फॉर डिफरेंट नंबर ऑल्सो. पर मैं अज्यूम कर रही हूं यहां पे मैंने दूसरा नंबर लेके नहीं रखा है. दोनों दिल्ली का मेरा सेम नंबर है. मेरी एक ब्रांच दिल्ली में है, दूसरी ब्रांच भी दिल्ली में है. दोनों का नंबर क्या है? सेम है. तो ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है. और डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है तो मेरी सेटिस्फेक्शन फुलफिल, मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है. जब कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा. मतलब हमने क्या समराइज किया? अगर मैं किसको माल दे रही हूं? डिस्टिंक्ट पर्सन को दे रही हूं. व्हाट इज डिस्टिंक्ट पर्सन? डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब पर्सन विद डिफरेंट जीएसटी नंबर बट विद द सेम पैन नंबर.
as well as distant person. Or a distant person ko agar maal de rahi hu, without consideration de rahi hu, in the course of business de rahi hu, to so supply maan liya gaya hai, is pe GST lagega. Am I clear? Par agar main अपने किसी यूनिट को माल दे रही हूँ जहां उसका नंबर और मेरा नंबर सेम है, मतलब हम दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, तो यहां पे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा. एम आई क्लो बॉस? गूगली फेंक सकते हैं इंस्टीट्यूट. आई एम वेरी, ऐसा मुझे अंदर से फीलिंग आ रही कि यहां पर आपको घुमा सकते हैं एग्जाम में. यहां पे बोल सकते हैं मॉडल्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली एंड उनका यूनिट भी कहां है, दिल्ली में है. बच्चों के दिमाग में तो क्या हो गया, दिल्ली टू दिल्ली मतलब क्या हो गया, सेल्फ सप्लाई हो गया. और सेल्फ सप्लाई को आप टैक्स लगा दोगे. सेल्फ सप्लाई टैक्सेबल कब होगा, जो सामने वाला कौन है, या तो रिलेटेड पार्टी है या तो डिस्टेंट पर्सन है. एम आई क्लियर? इस फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर? कैन आई गो एट? बस फिफ्थ क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना. क्यों इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना? क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है. सिक्स्थ क्वेश्चन, अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. साहब सेल्स एंड एसी डीलर इन जनकपुरी दिल्ली नीड्स 4 एसी फॉर इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन सफरगंज एनक्लेव. देयरफॉर, मतलब साहब कौन है, एसी डीलर है, उसको 4 एसी चाहिए थे अपने घर के लिए. Therefore, he transfers 4 AC on which ITC, important line hai, ITC has been availed from him, from its stock, for the said purpose. Examine the said activity, amount to supply under section 7C. Boss, aaj main mere ghar office utha ke mere ghar pe AC laga raha hu, to isme kya missing hai? Consideration missing hai. Aur jab consideration missing hota hai, to agar usko supply manna hai, to schedule 1 mein jana padega. Aur schedule 1 ne kitni activities diye? 4. Kitni diye? 4. Agar aap is 4 mein cover ho, to supply hai, nahi to supply nahi hai. चार में पहला पॉइंट क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट. चार में फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, अगर आपने क्या किया है, परमानेंट ट्रांसफर किया है. क्या किया है? परमानेंट ट्रांसफर किया है. किसका? बिजनेस असेट्स का. किसका? बिजनेस असेट का, जिस पे आपने क्या लेके रखा है, आईटीसी अवेल कल के रखा है. और क्या मिसिंग है? कंसिडरेशन मिसिंग है. फिर भी इसको क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा. इस पे इसको जीएसटी लगेगा. वापस रिपीट कर रही हूं, स्केड्यूल 1 का फर्स्ट पॉइंट, परमानेंट ट्रांसफर. तो आज मेरे घर पे चला गया, परमानेंट ट्रांसफर हो गया. कौन सी असेट का? बिजनेस असेट का. तो मेरा बिजनेस ही क्या है, एसी डीलर हूं मैं, जिस पे मैंने आईटीसी क्या करके रखा है, अवेल करके रखा है. जिस पे मैंने आईटीसी क्या करके रखा है, अवेल करके रखा है. और मैंने कंसेशन नहीं लिया है, इस सप्लाई माना जाएगा, इस पे जीएसटी लगेगा. एम आई क्लियर? वेदर से एक्टिविटी अमाउंट्स टू सप्लाई एज पर सेक्शन 7. यस, as per section 7 schedule 1, where what is missing, consideration is missing, still it will amount to supply because mere schedule 1 ki condition satisfy ho rahi hai. Clear? Ab usi ke andar, further a Janakpuri resident Akash approach sahab sales. Okay, Akash koi dusra person ki baat kar, jo sahab sales ke paas gaya. He sold an AC to sahab for 5000. Akash had brought the said AC 6 months before for his residence. Thus, sale of AC by Akash to Saab amounts to supply or not. Yahan pe supplier kaun hai? Akash. Supplier kaun hai? Akash hai. और आकाश किसको माल दे रहा है? साहब सेल्स को माल दे रहा है. और पैसे तो है, तो पैसे है तो हम दूसरी कंडीशंस चेक करते हैं. फर्स्ट, आकाश ने क्या किया, सप्लाई ऑफ गुड्स है, चलो ठीक है, फॉर कंसिडरेशन है, हार है. थर्ड पॉइंट, इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. क्या आकाश का एसी खरीद के एसी बेचने का बिजनेस है? नहीं. आकाश शुड
transfer the AC in the course of business. आकाश का business नहीं है buying and selling AC. आकाश ने अपने घर के लिए AC खरीदा था. अब वो क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं. That means he is not doing in the course of his business. That means my one point is not satisfied over here. इसलिए इस transaction को supply नहीं माना जाएगा. इस पे GST नहीं लगेगा. Am I very clear? Am I very clear? Boss, I'm going a little bit fast. क्योंकि हम लोग यहाँ पे marathon की कोशिश कर रहे हैं. हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना जल्दी हो सके उतना अच्छे से भी कोर्स रिवाइज कर ले. 93 questions का target छोटा target नहीं है. Am I clear? तो no breathing space at all. You have to just go on listening. अपने दिमाग, अपनी आंखें, अपने कान सब खुले रखना. Am I clear? Can I go ahead? Is six question clear? आगे बढ़ सकती हूँ? Come to seventh question. Chalo. It's a direct question. Main discuss nahi kar rahi hu. List any food activities which shall neither be trivial supply of goods nor trivial supply of services. Boss, negative list ki baat chal rahi hai. Jahan pe ise dekho, GST mein taxable event kya hai? Supply hai. Agar supply hi nahi hai to no GST. तो इंस्टीट्यूट तो चाहती है ना, मतलब इंस्टीट्यूट को नहीं बोला चाहिए, गवर्नमेंट तो चाहेगी सही कि सबको सप्लाई मान ले. कोई सबको सप्लाई मान लेंगे सब पे जिस लगेगा. इन्होंने सिर्फ छोटी सी एक लिस्ट दिख रखी है. कितने पॉइंट्स की? सिक्स पॉइंट्स की, जिसको इन्हें नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स माना है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना है. मतलब सेक्शन बॉस अगर नहीं भी याद रहे 7-2A, सेक्शन 7 लिख के आओगे तो भी गलत नहीं होगा. रीड विद स्केड्यूल 3, ये इंपॉर्टेंट है. स्केड्यूल 3 ने डिफाइन किया है ट्रांजैक्शन विच इज नाइदर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. तो इस पर जीएसटी कभी भी नहीं लगेगा बिकॉज मेरा सप्लाई ही नहीं है. तो मैं जस्ट फास्ट गो थ्रू कर रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ बिकॉज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. फर्स्ट पॉइंट क्या है? एम्प्लॉय गिविंग सर्विसेज टू एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, कोर्ट में जाओगे, ट्रिब्यूनल में जाओगे, ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट आपको क्या दे रहा है? लीगल सर्विसेज दे रहा है. आप रिटर्न में क्या पे करोगे? कोर्ट फीस या ट्रिब्यूनल फीस पे करोगे, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. थर्ड पॉइंट, एमपीस, एमएलएस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, मेंबर्स ऑफ पंचायत, इनको ये लोग सर्विसेज दे रहे. किसको दे रहे? गवर्नमेंट को. रिटर्न में क्या मिल रहा है? कंसेशन. पर इस कंसेशन के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा. फोर्थ पॉइंट, फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रिमेटोरियम, मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ डिसीज, ये कोई सर्विसेज दे रहा है उसके रिटर्न में क्या पे कर रहे हो? कंसेशन पे कर रहे हो, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. नेक्स्ट, सेल ऑफ लैंड. लैंड क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. एंड सेल ऑफ बिल्डिंग. पर अगर सेल ऑफ बिल्डिंग स्केड्यूल 2 के पैरा 5 बी में आ गया, तो फिर रिमेंबर मैंने आपको बताया था स्केड्यूल 2 का पैरा 5 बी क्या बोलता है. अगर आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होने के पहले पैसे दे दिए, मतलब आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसको कंस्ट्रक्शन सर्विस माना जाएगा, उस पर जीएसटी लगेगा. पर अगर आपने सीसी इश्यू हो जाने के बाद फुल पेमेंट किया है, मतलब आपने रेडीमेड चीज खरीदी है विच इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. एक्शनेबल क्लेम्स पे जीएसटी नहीं लगेगा एक्सेप्ट लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग. फिर रिमेंबर अभी हम पहले चैप्टर 1 पढ़ के आए और मैंने बोला लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज सब्स्यूम्ड इन जीएसटी. मतलब लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग के ऊपर जीएसटी लगेगा. इसके अलावा और कोई भी एक्शनेबल क्लेम होगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. एम आई वेरी क्लियर? एम आई वेरी क्लियर? कैन आई गो एंड आगे बढ़ सकते हैं? कम टू एट क्वेश्चन. एट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन सा है? नवंबर 18 आरटीपी का, जो ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, स्टिल मैं डिस्कस कर रही हूं. किसकी बात चल रही है? एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस. किसकी बात चल रही है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात चल रही है. तो जब भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात आती है ना, पहले दिमाग में भर लो ये चीज.
अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या है, अगर मैंने सर्विसेज क्या करवाई है, इंपोर्ट करवाई है फॉर कंसीडरेशन, मतलब मैंने पैसे दिए हैं, तो भले ही मैंने इंपोर्ट बिजनेस पर्पस के लिए करवाई हो या पर्सनल पर्पस के लिए करवाई हो, इट डज नॉट मैटर, इस पे जीएसटी लगेगा, इस पे जीएसटी लगेगा। अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करवाई है and if you have paid consideration, whether you have imported for business purpose or non-business purpose, it does not matter, GST will be there. पर अगर आपने without consideration import करवाई है, without consideration क्या करवाई है, import करवाई है, तो दो conditions satisfy होनी चाहिए। पहली condition, imported from your related party या or your establishment or your another establishment, and second should be for business purpose। मतलब अगर मैंने सर्विसेज क्या करवाई, इंपोर्ट करवाई है, तो जिससे मैंने इंपोर्ट करवाई वो बंदा सामने वाला मेरा कौन होना चाहिए, या तो मेरा रिलेटेड पार्टी होना चाहिए या तो मेरा दूसरा एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, और मैंने वो किस पर्पस से इंपोर्ट करवाई है, बिजनेस पर्पस से इंपोर्ट करवाई है, तो ही इसको सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी लगेगा। अगर ये दोनों में से अगर मेरी एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। हमें क्लियर, समराइज करें, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में अगर कंसिडरेशन पे किया है, अगर मैंने सर्विसेज इंपोर्ट करवाई और मैंने पैसे दिए हैं, बात खत्म, कुछ देखना ही नहीं, जैसे लगा क्या जाना, सप्लाई में बोल देना। पर अगर मैंने सर्विसेज क्या करवाई है, इंपोर्ट करवाई और मैंने पैसे नहीं दिए है, कंसिडरेशन नहीं दिए, तो मुझे दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। फर्स्ट, वेदर द पर्सन फ्रॉम होम आई हैव इंपोर्टेड द सर्विसेज इज माई रिलेटेड पार्टी और इज माई एस्टैब्लिशमेंट, एंड इफ येस, वेदर आई हैव इंपोर्टेड फॉर माई बिजनेस पर्पज विद येस, इफ बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देन इट इज सप्लाई एंड जीएसटी विल बी देयर। लेट्स रीड द क्वेश्चन। मिस श्रीनीति कौशिक रिसीव वास्तु कंसल्टेंट सर्विसेज फॉर रेसिडेंस लोकेटेड बैंड्रा फ्रॉम मिस्टर रेशल सिडनी एंड शी हैज पेड 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। बात खत्म ना, पैसे दिए, हाँ दिए, जीएसटी लगेगा। भले मैंने पर्सनल पर्पज के लिए करवाई हो, भले मैंने बिजनेस पर्पज के लिए करवाई, डज नॉट मैटर। सेकेंड क्वेश्चन, मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव वास्तु कंसल्टेंट सर्विसेज फॉर हर रेसिडेंस, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए करवाइए, लोकेटेड एट बैंड्रा फ्रॉम हर ब्रदर, मतलब रिलेटेड पार्टी है, फर्दर उसने कंसेशन पे नहीं किया। तो जब कंसेशन पे नहीं किया होता है, आई हैव टू चेक टू थिंग्स, वेदर इट इज taken by related party, yes ma'am, ye wali condition to satisfy ho gayi hai, but whether it's for business purpose, no, ye wali condition satisfy nahi hui hai, matlab this does not amounts to supply, no GST, am I clear? Third, Miss Shinati Goshik received vastu consist services for a business purpose from a brother Varun from Sydney, and further she has not done the payment, तो अगर payment missing है, तो दो condition, पहली condition, have you taken the service from a related party, yes, whether for business purpose, yes, मतलब my both the conditions are satisfied, it's amount to supply और इस पे GST लगेगा। am I very clear, can I go ahead, एम आई क्लियर, इम्पोर्ट सर्विस क्लियर हो गया कि नहीं, डायग्राम बना के दिया है। अगर एग्जाम आए, ये डायग्राम बनाओ और अपना आंसर लिखो, इसका ये मतलब नहीं है कि डायग्राम बनाया तो एक्सप्लेनेशन नहीं लिखोगे ढंग से। डायग्राम बनाने का फायदा ये होगा, जब पेपर चेकर आपका पेपर चेक करेगा तो उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि यू नो द आंसर। एम आई क्लियर, इस क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। कम टू क्वेश्चन नंबर 9, अगेन ए डायरेक्ट क्वेश्चन, list the activities
to be treated as supply under GST even if made without consideration. मैं तो बोल के आ रही हूँ. Normally supply के लिए क्या होना चाहिए? Consideration होना चाहिए. पर schedule 1 ने 4 activities दी है जिसमें क्या missing है? Supply missing है, sorry consideration missing है, फिर भी उसको supply माना है. चार में से तीन तो हमने अभी कवर कर लिए. पहला, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर मैं कोई भी बिजनेस असेट परमानेंटली क्या कर रही हूं, ट्रांसफर कर रही हूं, जैसे मैंने आईटीसी मैंने क्या किया था, अवेल किया था, तो उसको सप्लाई माना जाएगा. सेकेंड, फिर मैंने बोला अभी गुड्स है, सर्विसेज है, किसको दिए? रिलेटेड पार्टी को दिए या डिस्टिंक्ट पर्सन्स को दिए. इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वेयर व्हाट इज मिसिंग, कंसेशन इज मिसिंग, विल स्टिल अमाउंट सप्लाई. फिर मैं थर्ड ये पढ़ा भी, इंपोर्ट सर्विसेज क्या मिसिंग है, कंसेशन मिसिंग है, पर किससे इंपोर्ट करवाया, रिलेटेड पार्टी से करवाया, फॉर व्हाट पर्पस करवाया, बिजनेस पर्पस करवाया, तो उसको सप्लाई माना जाएगा. एंड फोर्थ, ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट में व्हाट इज मिसिंग, कंसेशन इज मिसिंग, विल स्टिल अमाउंट टू सप्लाई. एम आई क्लियर? कैन आई गो एट? तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. अब ये तो आप लोग जवाब दोगे, तो रिवीजन वाली बात होगी. अभी तो ऊपर मैं इंपोर्ट सर्विस पढ़ा के आई हूं. मिसेस प्रगति रिसीव लीगल एडवाइस फॉर हर पर्सनल प्रॉब्लम एंड पेड 1000 पॉइंट एज अ लीगल फी टू मिस उन्नति ऑफ यूके. मतलब बंदी ने क्या करवाया है, सर्विसेज क्या करवाई है, इंपोर्ट करवाई है फ्रॉम लंडन, एंड उसने पर्सनल पर्पज के लिए करवाया है और उसने $1000 पे किए, पाउंड पे किए. वेदर दिस अमाउंट टू सप्लाई ऑर नॉट. बोलो मैडम, अभी तो आपने बताया क्या कंसीडरेशन है ना, बात खत्म, सप्लाई है. एक लो, बी पे आ जाओ. इफ इन अबाउ केस बोथ ऑफ देम आर सिस्टर्स एंड कंसेशन क्या है, मिसिंग है. अगर कंसिडरेशन मिसिंग है तो दो चीज चेक करना चाहिए, वेदर द रिलेटेड पार्टी, यस, इज इट फॉर बिजनेस पर्पस, नो, इट्स फॉर पर्सनल प्रॉब्लम, तो जीएसटी नहीं लगेगा. एम आई क्लियर? थर्ड, फर्दर इन द अबव केस इफ बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर्स एंड मिसेस प्रगति रिसीव लीगल एडवाइस फॉर हर बिजनेस and does not pay the concession, concession pay नहीं किया, तो दो conditions satisfy होने वाली. क्या? पहला, क्या उनके बीच में related party relationship है? Yes. क्या business purpose के लिए है? Yes. That means this will amount to supply और यहाँ पे GST लगेगा. Question number 10 clear हुआ? बस ये last attempt में May 18 में old syllabus में आ चुका है. Am I clear? तो new syllabus में आने के chances होते हैं. I hope I'm very clear. Can I go ahead? आगे बढ़ सकती हूँ. क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हुआ. बस सोचो एक सप्लाई चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं. 93 का टारगेट हमारा, 11 यहाँ चल रहा है, 4 वहां, अभी हम 15 क्वेश्चन में सॉल्व किए, अब तो दिल्ली दूर है पर आ जाएगी पास. चलो बताओ, एग्जामिन बताओ, the following activities would amount to supply under section 7 of GST. मतलब भर भर के सप्लाई है या नहीं, सप्लाई है या नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ, 100% expected है, not one, in fact two question from the chapter supply. क्या लिखा है? श्रीराम charitable trust, a trust that gets the neuro treatment of underprivileged children done free of cost, donates क्लोथ्स एंड फूड्स टू चिल्ड्रेन लिविंग इन स्लम एरिया. सी डोनेट है मतलब गुड्स दिए तो है बट पैसे नहीं लिए, कंसेशन मिसिंग है. और जब कंसेशन मिसिंग होता है ना तो स्केड्यूल 1 लगता है, और स्केड्यूल 1 में कितने एक्टिविटीज दी होते हैं, 4. अगर आप 4 में कवर हो जाते हो तो सप्लाई मानेंगे, नहीं तो सप्लाई नहीं मानेंगे. तो ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा वाला, कि मैं डोनेट किया है क्लोथ्स, आई होप कि मैंने डोनेट किया है, क्या डोनेट किया है, क्लोथ्स डोनेट किया है मैंने, इट इज आई हैव नॉट टेकन एनी आईटीसी ऑन दैट, वो मेरा बिजनेस पर्पस का भी नहीं है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज इट्स नॉट सप्लाई. इसका आंसर पढ़े हम लोग, सेक्शन 7 प्रोवाइड्स दैट सप्लाई मस्ट बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन एक्सेप्ट द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 1
and the course or furtherance of business. Since both the elements are missing, donation of clothes and foods to children living in slum area would not amount to supply. Am I clear? Is first question clear? Come to second question. Simran is a beauty consultant in Mumbai. Okay, her brother was settled in Paris. Paris, Mumbai, Paris. आ जाता है तो मेरे दिमाग में तो import और service की घंटी बजना शुरू हो जाती है. Simran is a beauty consultant in Mumbai. Her brother, who is settled in Paris, is a well-known lawyer. Simran has taken legal advice from him for free of cost with regard to family dispute. चलो, पहला क्या हुआ है? Import of service fee. Okay. किससे क्या कंसेशन है? नहीं है. किससे करवाए? जब कंसेशन नहीं है तो टू कंडीशन शुड बी सैटिस्फाइड. फर्स्ट फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, यस ब्रदर है. सेकेंड शुड बी बिजनेस पर्पस, वो यहाँ पे मिसिंग है, उसने फैमिली डिस्प्यूट के लिए सर्विसेज ली है, बिजनेस पर्पस के लिए सर्विसेज नहीं ली है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा. एम आई क्लियर? Can I go ahead? So question number 11 is done, and by this we are done with chapter 2, supply. My supply chapter में हमने क्या-क्या revise किया? हमने पढ़ा supply कब होगा? It should be supply of services or goods for a consideration in the course or furtherance of business of taxable goods by taxable supplier. फिर हमने यहाँ पे पढ़ा कि कब कंसिडरेशन मिसिंग होता है तब भी उस पर सप्लाई माना गया स्केड्यूल वन. फिर हमने यहाँ स्केड्यूल थ्री भी थोड़ा सा रिवाइज किया, किसी हम सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बोलेंगे. फिर हमने यहाँ पे कंपोजिशन सप्लाई भी देखा एज वेल एज मिक्स सप्लाई भी देखा. टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, एक्सेप्ट स्केड्यूल टू को छोड़ के हमारा पूरा सप्लाई चैप्टर यहाँ पे रिवाइज हो गया. बस I'm trying कि कुछ आप लोगों का फायदा हो जाए उसे. No doubt मैं थोड़ा fast हूँ, but I'm revising it. तो I'm assuming कि आप chapter समझ के बैठे हैं और फिर हम लोग scanner solve कर रहे हैं. Am I clear? Again I'm saying, please आप ये video को देखो, it will help you a lot. And if it really will help, please subscribe this channel. Am I clear? So let's go to the next chapter.